हे गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं प्रियंका आप सबका स्वागत करती हूँ। तो आज आपके लिए मैं लेके आई हूँ आलू ब्रेड के बोंडो की रेसिपी। तो चलिए देखते हैं कि आलू के ब्रेड के बोंडे कैसे बनाए जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिए हैं कुछ उबले हुए आलू, ये 4 बड़े आलू हैं। इसमें मैं डाल रही हूँ गर्म मसाला, हल्दी, मिर्च, अजवाइन, नमक, मिर्ची, अदरक और धनिया, और ये मैंने डाला है लास्ट में आमचूर। तो इसको अच्छे से सबको मिला लेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ब्रेड स्लाइस लेंगे और उसके साइड के पोर्शन को हम अलग कर लेंगे। तो ऐसे ही हम सारे ब्रेड काट लेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, एक ब्रेड का स्लाइस लेंगे और उसको अच्छे से पानी से भिगा देंगे। निचोड़ लेंगे उसको अच्छे से। तो अब हमने जो आलू का मिक्सचर बनाया था उसको हम अच्छे से गोला बना के ब्रेड के अंदर रखेंगे। अच्छे से गोला बना लेंगे और उसको बीच में रख के चारों तरफ से ब्रेड को अच्छे से बंद कर लेंगे और इसका गोला बना लेंगे। तो गोला बन के तैयार है। अब हम क्या करेंगे, इसको ब्रेड क्रम्स में अच्छे से रोल कर लेंगे। ये ब्रेड क्रम्स मैंने घर में ही बनाए हैं, जैसे आपके जो ब्रेड होते हैं उसके साइड पोर्शन जो बच जाता है उसको अच्छे से आप टोस्ट करके घर में ब्रेड क्रम्स बना सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो रस्क आता है जो बाज़ार में मिलता है, उसको भी हम चूरा करके ब्रेड क्रम्स के तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो बाकी के सारे ब्रेड भी मैंने अच्छे से ऐसे रोल करके फिल करके बना लिए हैं। देखिए, तो यहाँ पे मेरे सारे आलू के बोंडे बनके तैयार हैं। अब हम करेंगे इनको फ्राई। तो यहाँ पे तेल गरम हो गया है, अब एक एक करके हम इसमें आलू के बोंडों को डाल देंगे। तो सारे आलू के बोंडे मैंने इसमें डाल दिए हैं। अच्छे से इनको पकने देंगे।